मैंने कहा था मोदी जी से कि बहुत देखा आपने बर्लिन को, बहुत देखा आपने लंदन को, बहुत देखा आपने टोक्यो को, कब देखोगे आप मेरे देश के किसान? हमारी सोच विचारधारा है कि अगर इस देश को मजबूत करना है तो किसान को समृद्धशाली बनाना होगा, नौजवान को समृद्धशाली बनाना होगा, मेरी महिलाओं को हमें सुरक्षित करना होगा, महिला सशक्तिकरण हमें लाना होगा, तभी ये देश मजबूत हो पाएगा मेरे भाइयों ने। जहां एक तरफ किसान परेशान, ना लागत का दाम, न बिजली, न पानी, और तो और क्या, खाद का कट्टा जो 400 रुपया में मिलता था कांग्रेस के जमाने में, आज कितने में मिलता है? 1200 रुपया में, और 50 किलो का कट्टा 45 किलो बना के छोड़। बिजली का दाम जो 100 रुपया प्रति माह था, उत्तर प्रदेश ने 150 रुपया प्रति माह कर दिया, और समर्थन मूल्य गन्ने में कोई बढ़ोतरी नहीं। योगी जी ने कहा था 14 दिन में गन्ने का दाम मिलेगा, एक साल का गन्ने का दाम आज तक किसान को नहीं मिला। चाहे एक तरफ किसान पर, तो दूसरे तरफ मेरा नौजवान पूरी तरह से त्रस्त हो चुका है। नोएडा खड़े हो गए यार, उत्तर प्रदेश का नहीं, राजधानी का नहीं, लेकिन देश का रोजगार का इंजन था। भाजपा ने कहा था कि हम लाएंगे करोड़ों के अफसर, भाजपा ने कहा था कि लेकर आएंगे नौकरियों का भंडार, पर असलियत में ये निकली पान और पकौड़े की सरकार। बेरोजगारी का दर, मोदी जी आप हमें कहते हैं कांग्रेस को कि 70 साल में क्या किया, मैं आपको बताता हूं कि आपने वो किया जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। बेरोजगारी का दर का इतिहास इस देश में रचा कर छोड़ दिया। 6.5% बेरोजगारी का दर, मेरा नौजवान जाता है, माता पिता इस सभागार में बैठे हुए बुजुर्ग लोग अपना निवेश करते हैं अपने औलाद के लिए, इस सोच और विचारधारा के साथ कि उस औलाद का भविष्य उनके भविष्य से उज्जवल हो पाए। 12 साल पढ़ाई, 6 साल कॉलेज की डिग्री लेकर जो नौजवान साक्षरता का सर्टिफिकेट लेकर निकलता है, उस साक्षरता की सर्टिफिकेट को मोदी जी और योगी जी की जोड़ी ने बेरोजगारी के सर्टिफिकेट में तब्दील कर दिया है। एक एक नौजवान उत्तर प्रदेश में भटक रहा है, और अभी इश्तिहार निकला था चपरासी के नौकरी का, इश्तिहार निकला था 93,000 आवेदन आए, और उस 93,000 आवेदनों में से 28,000 आवेदन पीएचडी के स्टूडेंट्स के थे, 25,000 आवेदन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थे, 30,000 आवेदन ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के थे। एक चपरासी के नौकरी के लिए ये स्थिति उत्पन्न नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने पिछले 5 साल में पूरी कर दी।
कि जहां एक तरफ किसान बस नौजवान त्रस्त, मेरी महिला असुरक्षित, महिला हमारे हिंदू धर्म में हमारी देवी देवताएं महिला है, दुर्गा मां, काली मां, सरस्वती, ज्ञानदाता के रूप में महिला घर की अस्मिता अकेले नहीं होती मेरे भाई और बहनों, महिला परिवार की अस्मिता नहीं होती, महिला समाज की अस्मिता नहीं होती, महिला मेरी देश की अस्मिता है, देश की अस्मिता है। और जो सरकार महिला को सुरक्षित नहीं रख पाए उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं होगा। आज उत्तर प्रदेश के हर कोने से आप सुनते आ रहे हो, चाहे शाहजहांपुर की घटना हो, उन्नाव की घटना हो, जिसमें भाजपा का विधायक स्वयं ने बलात्कार किया हो और भाजपा के नेता उसका संरक्षण करते हैं, ये भाजपा के लोग हिंदू धर्म की बात करते हैं। हमारे संस्कृति में लिखा गया है यत्र नरायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, यत्र नरायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। और प्रदेश के मुखिया को देखो, यह प्रदेश का मुखिया कहता है कि अगर एक धर्म की बालिका को छुआ गया तो दूसरे धर्म के 100 बालिकाओं की को छुआ जाएगा। अरे योगी जी, अपने शास्त्रों को पढ़ना, जिन शास्त्रों में लिखा गया है कि पुत्री पवित्र करे कुल दो, पुत्र पवित्र करे कुल दो, महिला इस देश और इस प्रदेश की अस्मिता है। जिस प्रदेश का मुखिया महिला का अस्मिता ना बचा पाए उस प्रदेश के मुखिया को अपना कुर्सी छोड़कर जाना चाहिए, ये ऐलान मैं करता हूं। जहां किसान सुरक्षित नहीं, नौजवान सुरक्षित नहीं, महिला सुरक्षित नहीं, एक असहिष्णुता का माहौल पूरे देश में निर्मित किया है। इस देश की महत्वपूर्णता है, इस देश की नींव, एक उदार विचारधारा की, सांप्रदायिक सद्भाव की, धर्मनिरपेक्षता की, यह वो देश है जिस देश में खुशियों से रमजान मनाया जाता है, एक ऐसा रमजान जिसमें राम होता है। और ये वही देश है, ये वही देश है जहां पर हम मिलकर खुशियों से दिवाली मनाते हैं, एक ऐसी दिवाली मनाते हैं जिसमें एक अली होती है। और कोई भी तत्व जो इस सामाजिक ताना बाना को बंद करने की कोशिश करे, मेरा आपसे दायित्व है कि को बचाने के लिए वो संग्राम आपको और हमें छेड़ना होगा। जो घटना उत्तर प्रदेश में हुई है, चाहे राजनीति की हो, चाहे जुनेद की हो, अखलाक की हो, ये हमारे देश के संविधान पर कर, हमारी बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाना होगा। मोदी जी की भारत की क्या कल्पना है, मोदी जी की भारत की कल्पना है जहां किसान त्रस्त हो, जहां नौजवान बेरोजगार हो, जहां महिला असुरक्षित हो। कांग्रेस
है। अच्छे दिनों की बात की थी, इन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार के अवसर उत्पन्न कराएंगे। नोटबंदी क्या थी, जैसे पुराने जमाने में वो कोल्ड ड्रिंक का इश्तिहार देखा था ना, कि सुबह उठकर आज कुछ तूफानी कर देते हैं। किसी भी प्रजातंत्र में ऐसी कोई नियम नहीं आई होगी सरकार के द्वारा जिसके तहत 125 मासूम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी। आज उस कचेरी में मोदी जी और योगी जी को खड़ा करना होगा और उत्तर उनसे दिलवाना होगा इन 125 परिजनों को। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान को हम दिखा के रखेंगे, चीन को लाल आप दिखाएंगे। अरे भैया, चीन सीख ली है तो भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से सीखो, जिन्होंने पाकिस्तान को उनकी नानी याद दिलाई। कभी कभी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और आज जो असहिष्णुता का माहौल तैनात किया है, एक एक मंच मिलता है तो योगी जी मंच को ठोक ठोक कर कहते हैं कि कसम गीता की मंदिर वही बनाएंगे। इन लोगों के मुखौटे को हमको उतारना होगा। राहुल गांधी जी की सोच है कि एक नया भारत का निर्माण करना होगा, एक ऐसा नया भारत जहां न्याय मिले एक एक व्यक्ति को, न्यूनतम आय योजना जहां 72,000 रुपया एक एक गरीब परिवार के घर के अंदर महिला के खाते में डाला जाए।